श्रीपादं तवेश श्रीयति सपदिशः श्रीपुरं संश्रेत स्वामिन् पार्श्व प्रभो त्वत् प्रवचन वचनो दीप प्रदीप प्रभावै लब्ध्वा मार्गं निरस्ता खिलति विपदगतो यत्तधीसियै सुरीदिभिः वन्यास्तत्यो महांस्तवं विभुरसि जगता मेक एवाप्तनाथ। श्रीपुर पार्श्वनाथ, सिरपुर वाले पार्श्वनाथ भगवान को नमस्कार करते हुए हम आज आप सब लोगों के सामने यह विषय प्रस्तुत करना चाहते हैं कि सत्य जीवन का सबसे बड़ा लक्षण है। बने जहाँ तक इस जीवन में सरल सत्य व्यवहार करूँ। सरल और सत्य व्यवहार करना सबके लिए प्रेरणादायक होता है। आज हम सब आप लोगों के लिए यह बात बता देना चाहते हैं कि आप और हम सब मिलकर के सत्य को जीवन में उतारने का अगर प्रयास करना चाहते हैं तो सबसे पहले स्थूल रूप से झूठ न बोलें। स्थूल रूप के झूठ का मतलब मोटा मोटी झूठी हंसी मजाक में झूठ, और हम ये कह सकते हैं जिसका कोई प्रयोजन नहीं है, अनर्थकारी, जिसका कोई सार नहीं निकलता है, जिससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है, ऐसे झूठ बोलना मजाकिया तौर पर लोग प्राय झूठ बोलते हैं। दूसरे नंबर की चीज़ बात ये आती कि ऐसा सत्य भी मत बोलना जिससे दूसरे पर विपत्ति आ जाए। एक संत जी एक जंगल में बैठे थे, दिगंबर जैन संत थे, और उनके सामने से हिरण निकले और कुछ देर बाद शिकारी आ गया। वह पूछता है, महाराज हिरण किस तरफ गए हैं, क्या यहाँ से हिरण निकले हैं? महाराज जी थोड़े से खिसक करके और बोल देते हैं, जब से मैं यहाँ बैठा हूँ तब से हिरण तो नहीं निकले। लोग कहेंगे कि महाराज जी ने मायाचारी की या झूठ की या झूठ बोला, लेकिन एक ध्यान रखना, हमारे यहाँ ऐसा सत्य भी मान्य नहीं है जिस सत्य पर दूसरे को विपत्ति आ जाए। इसके बाद अब हमारे सामने बात आती है, स्थूल मलिकम न वदति न परान वाद्यति सत्यमपि विपदे यत्तद् वदन्ति संता स्थूल मृषावाद वैरम्य। जो कुछ भी हम बोलते हैं वह ऐसा बोलें जो सत्य हो लेकिन स्थूलम हो, रूप से झूठ ना हो। अब झूठ से बचने के लिए हमें अपने जीवन में एक विचार करना होगा, एक चीज़ सामने रखना होगी, वह यह है कि हम किसी के लिए मिथ्या उपदेश न दें, ऐसा उपदेश न दें जो झूठा उपदेश हो, किसी के रहस्य को न खोलें, किसी की चुगली न करें, और कभी भी कूट लेख करण, अर्थात किसी ने कुछ भी नहीं बोला फिर भी लेख बना लें, एक कूट लेख करण कहलाता है, और किसी की धरोहर को हड़पने का भी प्रयास अगर हम करते हैं, जैसे कोई हमारे घर में मान लीजिए कोई चीज़ रख गया और फिर वो मांगने आता है तो कहते हैं, हाँ भैया आपने चार रखी थी, ये चार अपनी पकड़ो। उसने मांगी चार, अपन ने चार दे दी, पर उसने पांच चीज़ें रखी थी और चार दे देना, ये न्यासापहार कहलाता है। तो हम सबसे पहले धर्म के क्षेत्र में जब भी आगे बढ़ते हैं, धर्म के क्षेत्र में आगे हम कुछ भी प्रयास करते हैं, तो हमारे प्रयासों में सबसे पहला प्रयास यह होना चाहिए कि हम स्थूल रूप से झूठ ना बोलें, और हम इसके साथ साथ झूठ से बचने के साथ साथ किसी के लिए भी हम चुगली करने का काम ना करें। किसी भी स्त्री पुरुष ने एकांत में कुछ भी किया हो उसके रहस्य को खोलने का प्रयास ना करें, यह हमारा सबसे पहला चिंतन होना चाहिए, यह हमारा विचार होना चाहिए। यदि ये हमारा विचार होता है तो हम निश्चित तौर पर अपने आप में सत्य की के सम्मान करने की ओर बढ़ जाएंगे, और हमारा ये सरल सत्य व्यवहार होगा, यह हमारा सरल सत्य व्यवहार हमारे लिए दूसरों की आपत्ति से बचाने वाला हितमित प्रिय वचन बोलने ही हमारे जीवन का सत्य कहलाता है। इस सत्य पर हमें विचार अवश्य करना चाहिए।